चलिए अब बात करते हैं थोड़ा लॉन्ग टर्म मार्केट की, और हमारे साथ दिया चोकसी फिनसर्व के मैनेजिंग डायरेक्टर देवेंद्र चोकसी जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी गुड आफ्टरनून। पहले शुरुआत करते हैं रिलायंस के साथ, क्योंकि काफ़ी ड्रैग किया इसने आज स्टॉक ने मार्केट को। आपको कैसे लगे नंबर्स और आपका क्या भी होगा स्टॉक पर? या अनुज गुड आफ्टरनून। वेल, अगर हम कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस रिटेल और जियो प्लेटफॉर्म को और डिजिटल प्लेटफॉर्म को एक तरफ रखते हैं और इंडस्ट्रियल बिजनेसेस जैसे O2C एंड ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के बिजनेस को अलग रख सकते हैं, तो उसके अंदर सबसे बड़ी जो दिक्कत है, चैलेंज आई है, वो मेरे ख्याल से O2C बिजनेस के अंदर ज़्यादातर दिख रही है, पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट जो ग्लोबल एनवायरनमेंट में जो डिस्टर्बेंस है उसके हिसाब से पूरी सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स सेटिंग अफेक्ट हुई है। एंड एट द सेम टाइम आई थिंक सम अमाउंट ऑफ डिस्पैचेस इंक्लूडिंग द offtake by the customer has been affected. So, मेरे ख्याल से this is the root cause of the problem for a very sharp drop in the O2C business. But दूसरी तरफ देखें तो oil and gas का business के अंदर promises भी अच्छे हैं and I think the other growths are also their exploration business के अंदर. So to that extent I think it will be more or less taking care of the larger amount of business component within the industrial segment of the business. बट सबसे बड़ा जो अपॉर्चुनिटी हमें दिख रहा है उसके अंदर कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस पे दिख रहा है। दोनों रिटेल और जियो प्लेटफॉर्म के जो कारोबार है उसके अंदर काफ़ी हद तक आई थिंक एक अच्छे प्रॉमिसेस डिलीवर करने की क्षमता है। पर्टिकुलरली आप देखें तो रिटेल के बिजनेस में करीबन 8.8% का ईबीटा मार्जिन आया है और कंपनी ने अपने जो प्रोडक्ट का जो रैशनलाइजेशन किया है उसके अंदर आई थिंक दी हायर मार्जिन प्रोडक्ट्स विच इज कमिंग फ्रॉम देयर ओन बैटरी ऑफ प्रोडक्ट्स is contributing larger. मेरे ख्याल से I think retail business के अंदर, organized retail business के अंदर probably this company would be drawing the highest amount of EBITDA margin as one can probably talk it on. So this business remains positive and at the same time जैसे नए अपने खुद के प्रोडक्ट जो ऐड करते हैं पोर्टफोलियो के साथ में I think this is likely to remain even more positive. जो lifestyle और फैशन का बिजनेस है उसके अंदर शायद ये क्वार्टर इतना रिवॉर्डिंग नहीं रहा है, बट अकॉर्डिंग टू मी they are probably I think realigning their portfolio and building the youth segment in this particular portfolio, so this may probably show up better numbers. जो digital platform है उसके अंदर I think काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ कि growth की अच्छी expectation भी बनी रहेगी, क्योंकि जो low end of the customer है they have lost it because of the competitive prices I think from BSNL and Vodafone Idea. बट जो हाई एंड कस्टमर है जिसका डेटा कंजम्पशन ज़्यादा है दे हैव एक्चुअली स्टार्टेड पिकिंग अप आई थिंक हायर अमाउंट ऑफ जीबीस डेटा जीबीस। एट द सेम टाइम जो एयर फाइबर जियो एयर फाइबर का जो कारोबार है उसके अंदर भी मेरे ख्याल से आई थिंक पेनिट्रेशन हैज़ बीन इंक्रीजिंग और मैं ऐसा समझता हूँ कि करीबन ये दोनों बिजनेस के अंदर देखें तो शायद एयर फाइबर का बिजनेस के साथ में ग्रोथ विल बी हायर इन सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स विथ हायर आरपू। I would think that I think the and at the same time implementation of AI-based solutions for all the verticals. मेरा ऐसा मानना है कि अगले 2-3 क्वार्टर के अंदर एक interesting outcome आ सकता है from the point of view of new application-led growth, which the Jio platform may experience, I think through the AI platform and its use cases. So I think this may remain relatively more stronger. करीबन 64,000-65,000 करोड़ का सालाना EBITDA इसके अंदर बैठ रहा है और मैं ऐसा समझता हूँ कि अगले साल के अंदर इट विल हैव अ प्रॉमिस ऑफ ग्रोइंग विद अराउंड 15-20% के बीच में, सो दैट मे प्रोबेबली वर्क बेटर फॉर द इन्वेस्टर्स गोइंग फॉरवर्ड। क्योंकि हमने रिलायंस और ऑफ कोर्स आपने जियो मेंशन किया है, लगे हाथ में टेलीकॉम का दूसरा बड़ा प्लेयर भारती एयरटेल पर भी आपकी राय लेना चाहूँगी देवेंद्र जी, क्योंकि स्टॉक में भी एक बहुत तगड़ा रन देखने को मिला और ऑफ कोर्स कंपैरेटिव एनालिसिस आगे आप लोग ज़रूर करेंगे कि आरपू के लिहाज से कौन कहाँ बैठ रहा है और आगे कितना आउटलुक मजबूत हो रहा है। एयरटेल का आरपू 211 रुपये, ऑफकोर्स उनका कस्टमर बेस जियो से थोड़ा कम है, जियो का 195-196 पर आ चुका है। यहाँ से टेलीकॉम स्पेस में बेहतर ट्रेड आपके लिहाज से क्या साबित होता हुआ दिखाई देगा और एयरटेल कैसे पॉइज्ड है वैल्यूएशन वाइज भी? So don't know too much about the valuation of Bharti since it is not under full coverage of ours, it is only soft coverage. We believe that I think adequately the stock price is reflecting whatever the underlying potential and the possibility is there currently. As such, I think मैं ऐसा समझता हूँ कि जो जियो प्लेटफॉर्म के अंदर जो डिजिटल बिजनेस का कारोबार है उसके अंदर काफ़ी हद तक बेटर अपॉर्चुनिटी बनी है। Bharati is still being seen as a mobile telephony company vis-a-vis a digital company, which is Jio platform. So to an extent, I think there's a distinct difference. Maybe I think on a piece-to-piece basis, when we start comparing it, we realize that I think the potential and the growth numbers will be higher in case of digital business of Jio vis-a-vis Bharati. But as I said that I think we will require to do a piece-by-piece comparison on every aspect of the business between the two, which may be, I think, taking some amount of time, but preference would remain with the digital business of Jio platform. इस बीच जरा आप एक बार लेके आइए निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स। देखिए इसमें कोई दुराई नहीं है कि आज ये थोड़ा सा स्टेबल है, स्ट्रॉन्ग है एट 62660, बट इसमें बीते एक महीने में लगभग 7.5 से 8% का रिट्रेसमेंट है। देवेंद्र जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। और एचयूएल की इतनी बड़ी अंडर परफॉर्मेंस, मतलब कहाँ ये स्टॉक लगभग 3050 पे था, आज 2700 की ट्रैजेक्टरी में। डाबर में बड़ा सेल ऑफ हुआ है। गोदरेज सीपी, इसने तो लास्ट ईयर एक बहुत बुरे फेस में भी अच्छे नंबर्स दिए थे, इसमें सेल ऑफ 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के नीचे। नेस्ले बिलो 200 डेमा, और उसके बाद आप देखिए मेरे ख्याल से टाटा कंज्यूमर बिलो 200 डेमा। इतनी बड़ी जो प्राइस अंडर परफॉर्मेंस आ गई है सडनली विद इन आई थिंक मंथ, इसके पीछे कारण क्या देखते हैं आप? और क्या ये जोन्स एक दो स्टॉक्स को यहाँ पर ग्रैब करने के हैं क्या, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि ऑलमोस्ट 50% स्टॉक्स बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज? गुड आफ्टरनून। वेल आई थिंक मेरा ऐसा समझना है कि जो फंडामेंटल कारोबार है उसके अंदर कोई बदलाव नहीं है। ऑन द कंट्री, डिमांड सिनेरियो रिमेंस अपबिट, कंज्यूमर स्पेंडिंग पावर इज आल्सो रिमेनिंग अपबिट, द कंज्यूमर क्रेडिट सिनेरियो आल्सो रिमेंस आई थिंक क्वाइट कन्विंसिंग एंड अपबिट, क्योंकि द लाइक्स ऑफ एसबीआई टू ऑनवर्ड्स टू बजाज फाइनेंस ऑनवर्ड्स और इवन आईसीआईसीआई बैंक, आई थिंक ईच वन ऑफ देम आर आई थिंक वेरी वेल प्रेजेंटेड फॉर funding the EMI schemes of every such kind of product which is there in the consumer basket of each of our companies that we are talking about. So I think from that perspective, no challenges. On the contrary, I think मेरा ऐसा मानना है कि I think वहाँ पे demanded growth ज़्यादा रहेगा। On the other side, I think थोड़ा बहुत जो dampener बना है वो शायद हम लोग पहले पकड़ के चलते थे कि ये quarter के अंदर जो raw material के दाम है वो control में है, बट जैसे हम नए महीने अक्टूबर से देख रहे हैं वहाँ पे आई थिंक वी आर ऑल्सो सीइंग अ सर्ज इन दी सम ऑफ दी रॉ मटेरियल प्राइसेस। तो टू एन एक्सटेंट आई थिंक वहाँ पे थोड़ा बहुत प्राइसिंग प्रेशर बना रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। इट इज टू अर्ली टू कंक्लूड बिकॉज अक्टूबर, नवंबर, डिसंबर द फुल क्वार्टर हैज टू बी सीन, नॉट ओनली वन मंथ। बट एज ऑफ नाउ इट लुक्स लाइक द रिविजन इन द रॉ मटेरियल प्राइसेस इन सम ऑफ दी बेस मटेरियल प्रोडक्ट, बी इट इन द फूड कैटेगरी सेगमेंट और अ पर्सनल केयर सेगमेंट और अ होम केयर सेगमेंट, इन ईच ऑफ दी सेगमेंट आई थिंक थोड़े बहुत जो प्रेशर आ रहे हैं इनपुट के वो शायद थोड़ा मार्जिन पिक्चर्स अफेक्ट कर सकते हैं। मे नॉट बी मच बट आई थिंक मे बी फ्यू बेसिस पॉइंट, तो शायद उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी बनता है अगले महीने के अंदर। बट अदरवाइज सितंबर एंडेड क्वार्टर के साथ में देखे वर्किंग कंपनी के, तो शायद एवरीथिंग इज बीइंग फुल्ली प्राइस विच वी हैव बीन मेंटेनिंग एंड मे बी द मार्केट इज करेक्टिंग टुडे। टेक्निकली ज़्यादा करेक्शन है क्योंकि आई थिंक सेक्टर रोटेशन, स्टॉक रोटेशन इज हैपनिंग वेरी फास्ट। हमारे मार्केट के अंदर आई थिंक द प्राइस मूवमेंट जो रहती है वो एकदम शार्प रहती है, सो मे बी आई थिंक द प्रॉफिट बुकिंग इज ऑल्सो हैपनिंग इन अ फास्टर पेस। दैट इज द ओनली एक्सप्लेनेशन दैट आई कैन हैव। फंडामेंटल एक्सप्लेनेशंस आई थिंक वी नो दैट आई थिंक द वर्किंग्स ऑफ दिस कंपनीज आर लाइकली टू कम गुड इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर। ओके देवेंद्र जी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इन पर क्या व्यू रहेगा अब आपका, क्योंकि आज महाराष्ट्र इलेक्शन भी अनाउंस हो जाएंगे, क्रूड भी नीचे आना शुरू हो गया है, क्या यहाँ पर वापस एक बाइंग का मन बन रहा है? अनुज आप क्रूड की बात कर रहे हैं, शायद थोड़ा वॉइस आपका बीच में क्रूड और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के स्टॉक्स को लेकर। हाँ, सो आई थिंक मेरा ऐसा मानना है वोलेटाइल सिचुएशन के अंदर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोबेबली टेक अ वेरी सिग्निफिकेंट कॉल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि द बास्केट इज नॉट चेंजिंग एज फास्ट एज आई थिंक द क्रूड ऑयल प्राइस इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड ऑन द स्क्रीन। Baskets are normally a 15 days period to 3 weeks period in which most of the crude oil baskets are priced in. तो शायद इतना immediate view और reaction immediately हम लोग नहीं ले पाएंगे, but मेरा ऐसा मानना है कि I think even this kind of volatility because of the global environment at this point of time, it is safe not to touch this particular sector, क्योंकि ये वोलाटिलिटी में शायद आपका कोई भी हिसाब से कैलकुलेशन सही नहीं जाए, तो unnecessarily I think we'll be stuck with the position in this counter. So we prefer not to touch this particular sector at this point of time. Stay away from it for the time being. आपसे मैं बैंकिंग काउंटर्स पर राय लेना चाहती हूँ देवेंद्र जी, कंसिडरिंग आज सुबह ही एक रिपोर्ट हम पढ़ रहे थे कि HDFC बैंक होपफुली अपने LDR रेशियो को फिर से 100 के नीचे लाता हुआ दिखाई देगा। इस वीकेंड में नंबर्स आने वाले हैं। स्टॉक आज शांत हो गया है लेकिन ICICI बैंक में बहुत तगड़ी तेजी बनती दिखाई दे रही, तो लार्जली आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं Q2 परफॉर्मेंस से इन दो दिग्गज निजी बैंकों से, ICICI और HDFC बैंक, और क्या कुछ प्री पोजिशनिंग होनी चाहिए या नहीं? सो जो रिटेल लैंडिंग है, रिटेल लैंडिंग मेरे ख्याल से आई थिंक शो अ वेरी स्ट्रांग परफॉर्मेंस। आई वुड नॉट बी सरप्राइज टू फाइंड द रिटेल लैंडिंग शोइंग द परफॉर्मेंस अबाउट 20% ग्रोथ इन द AUM. मे बी कॉर्पोरेट लैंडिंग साइड आई थिंक इज शोइंग सम साइंस ऑफ हायर ग्रोथ, बट ब्लेंडेड ग्रोथ इन द AUM इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर फॉर मोस्ट ऑफ दिस कंपनीज वुड बी अराउंड 18 to 19% के आसपास, ऐसा मान के चलते हैं, पर्टिकुलरली द प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेट बैंक्स। पब्लिक सेक्टर के अंदर शायद दैट नंबर में भी अराउंड 16% और सो। दैट इज हाउ आई थिंक वी हैव बीन प्रोजेक्टिंग और एनालिस्ट हैव बीन प्रोजेक्टिंग दिस पर्टिकुलर नंबर्स। इन माय व्यू पॉइंट आई थिंक द मोस्ट ऑफ द बैंकिंग स्टॉक्स करीबन वैल्यूएशन से चीप है कंपेरेटिवली। आई थिंक उनके अंदर रनवे काफ़ी बड़ा है। मे बी एक बार RBI की रेट कट पॉलिसी के लिए थोड़ा बहुत जो वेट कर रहा है मार्केट, वो क्लैरिटी बन जाती है तो शायद मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक दैट विल हैव अ गुड इफेक्ट ऑन दी स्टॉक प्राइसेस। मे बी आई थिंक वी आर सेइंग कि 1 क्वार्टर होल्डिंग की एक पॉसिबिलिटी रख के आप शायद ये प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मेरे ऐसा मानना है कि आई थिंक इट में सेफली गिव यू अराउंड 15% काइंड ऑफ एन अपसाइड फ्रॉम द करंट लेवल। सो दिस इज अ टाइम टू एक्यूमुलेट, दिस इज अ टाइम टू बाय इनटू some of the stocks, including some of the NBFC, the retail NBFC franchises. I think that would be relatively better opportunity to buy into the portfolio. अच्छा देवेंद्र जी, आखिरी प्रश्न आपसे, मतलब ये पूरा वो दौर जब चुनाव की प्रक्रिया रही, उसके बाद इलेक्शन रिजल्ट्स, उसके बाद गवर्नमेंट फॉर्मेशन, इस 3 महीने में PSUs में बहुत कूलिंग ऑफ हुई और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम्स के साथ कूलिंग ऑफ हुई, बट अब स्क्रीन पर विजिबल है इन टर्म्स ऑफ प्राइस, इन टर्म्स ऑफ रीगेनिंग एवरेजेस के डिफरेंस थोड़ा सा स्टेबल हो रहा है। लुक एट HAL और BEL। क्या ये कूलिंग ऑफ ने एंट्री पॉइंट्स को अच्छा बना दिया है? आपकी रीडिंग इस वक्त डिफरेंस पे क्या कह रही है? सो द क्लैरिटी वीरेंद्र दैट वी आर हैविंग इज मोस्ट ऑफ द PSU कंपनीज आर शोइंग फंडामेंटल गुड साइंस फॉर ग्रोथ, नो डाउट अबाउट इट। इनफैक्ट पहले सालों के अंदर, पिछले सालों के अंदर शायद इतनी विजिबिलिटी नहीं थी जितनी विजिबिलिटी आज की तारीख में है, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन द इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज, डिफेंस एंड कैपिटल गुड सेगमेंट्स। तो मैं समझता हूँ कि विजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चैलेंज नहीं है। और एक चीज हम हमेशा ध्यान में रखते हैं कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज के अंदर जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ मेरे ख्याल से नॉमिनल GDP के ग्रोथ के ऊपर आप 50% का प्रीमियम पकड़ के चलो तो आई थिंक दैट वुड बी अ गुड इनफ ग्रोथ फॉर दिस कंपनीज टू एग्जीक्यूट। उससे ज़्यादा आप शायद उसके ऊपर एक्सपेक्टेशन ना रखें तो अच्छा है, बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट रैन अप आई थिंक क्वाइट अहेड ऑफ टाइम। करीबन 26-27 के फाइनेंशियल ईयर के ग्रोथ के साथ में मार्केट के वैल्यूएशन स्केल अप हो चुके थे। ये वैल्यूएशन करेक्ट होने जरूरी बनते थे, जो प्रोसेस चालू हो चुका है। मे बी द प्राइस करेक्शन हैज हैपन वेरी शार्पली, सो शायद थोड़ा बहुत बाउंस बैक आ सकता है, बट इन माय व्यू पॉइंट आई थिंक द टाइम करेक्शन विल स्टिल कंटिन्यू। तो इफ द टाइम करेक्शन कंटिन्यूज एंड गिवन दैट काइंड ऑफ ए सिचुएशन में कभी शायद मेजर फॉल आता है कोई स्टॉक के अंदर कोई भी कारण सर, दैट वुड बी द राइट टाइम टू बाय इनटू। वी आर नॉट डाउटिंग द प्रोस्पेक्ट्स, बट वी आर सेइंग दैट आई थिंक इवन करंट प्राइस द टाइम करेक्शन इज येट टू गेट कंप्लीटेड फ्रॉम मोस्ट ऑफ द कंपनी। सो वी वुड प्रिफर टू गो विद द बेटर बैक अप्रोच कंपनीज के जहाँ पे हमें वैल्यूएशन के हिसाब से ज़्यादा कॉन्फिडेंस है एंड एट द सेम टाइम द ग्रोथ रेट इज मोर सस्टेनेबल फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। ओके, योर पॉइंट टेकन सर। डिफेंस पे आपका व्यू। देवेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे, इंडस्ट्रीज पे, स्टॉक्स पे आ रखे आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अब आइए आप निफ्टी लेके